आप परेशान मत होइए राशिद, आपका बेटा असद वापस आ गया है, आपका शेर वापस आ गया है। देखिएगा अब वो हर तूफान का रुख मोड़ देगा। जी हां, आज से सब मुझे रिपोर्ट करेंगे, अब से सारे बिजनेस प्रपोजल्स मैं हैंडल करूंगा। मैं जानती हूं बरसों के गिले शिकवे हैं, जाते जाते ही जाएंगे, लेकिन असद आपका अपना खून है, आपका बड़ा बेटा है, और वो बड़े बेटे होने का सारा फर्ज निभाएगा। अब इसी वक्त सारे जॉइंट अकाउंट्स फ्रीज कर दीजिए, और जब तक मैं ना कहूं कंपनी का कोई भी चेक क्लियर नहीं होगा। अभी तो उसने सिर्फ आपको अब्बू कहा है, देखिएगा वो आपको धीरे धीरे दिल से अब्बू मानना शुरू कर देगा। मैं कौन बोल रहा हूं? असद अहमद खान, राशिद अहमद खान का बेटा, समझे? हमारी कुर्सी पे बैठने की तुमने हिम्मत कैसे की? आज तक तुम्हारे अब्बू ने इस कुर्सी पर बैठने की जरूरत नहीं की थी। ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें करना चाहिए था मगर किया नहीं। सही करने के लिए अब मैं आ चुका हूं। आज अब भले ही छूट गए लेकिन किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आवाज सुन रहे हैं आप? ये खामोशी की आवाज है, तूफान के आने से पहले की खामोशी। संभल कर रहिएगा, तूफान आने वाला है सत्य के साहब। हमने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ दिया है सत्य। आपको जो करना था आप कर चुके, अब किए पे पछताने का वक्त आ गया है। अब भी वक्त है, अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए, वरना ये नेक काम भी मुझे करना पड़ेगा। लड़की, लगता है तुझे इस बात का इल्म नहीं है कि अगर जहर का तोड़ ना मालूम होना तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। खेल खेलने तो तुम आ गई मगर ये भूल गई कि बिसात भी मेरी है और मोहरे भी। उम्र बीत जाएगी तेरी लेकिन तू हम तक नहीं पहुंच पाएगी। एक महीना, एक महीने में ये बाजी पलट जाएगी और ये बिसात भी। एक महीने के अंदर आप लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे और यह असद अहमद खान का वादा है। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया।
होने वाले नन्हे इमरान या नन्ही नजमा के बड़े अब्बू बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों ने कुछ लिया कि नहीं? आइए कुछ लीजिए ना। आइए। अम्मी। हाँ अम्मी, निखत कहाँ है? निखत? हाँ तैयार हो रही होगी शायद। अब तक तैयार हो रही है, मैं सब ला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कहीं मत जाओ। आज की रात की महफिल के चांद तो तुम हो ना। तुम चली जाओगी तो रौनक चली जाएगी। मैं आती हूँ। जी फरहान मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आए, वो चाहते मैं ये पहनूं। नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? खुदा के लिए ना पहन लेना। हाँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिल से ला रहा है। हाँ नखरे मत दिखाना। करूं अगर ये नहीं पहनूंगी तो कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फरहान इतने दिल से ये ड्रेस मेरे लिए लेकर आए हैं और बाजी ने भी कहा था ये उनकी पसंद है। क्या करूं, मैं ये कैसे पहन सकती? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। ये पुलिस कोर्ट कचहरी, इससे कुछ साबित ही नहीं होगा। जमीन वालों के पत्थर फेंकने से आसमान में दरारें नहीं पड़ा करती हैं। आप बात अधूरी छोड़कर कहां जा रहे हैं? मस्जिद जा रहा हूं इबादत के लिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना रसिया, ठीक नहीं लग रहा हमें। मैंने आपसे कहा है ना, इस सब को ठीक करने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, सब ठीक होगा। खुद डरेंगे और मेरा बीपी भी बढ़वा कर छोड़ेंगे। क्या करें, कच्चे बर्तन अक्सर कड़ी धूप में चटक ही जाते हैं। लेकिन रसिया आग में तपकर बड़ी हुई है सिद्दकी साहब, आग में। रसिया को हराना इतना आसान काम नहीं है।
रजिया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और सच को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सच तो उन्हें बोलना होगा अम्मी, वो भी अपनी जुबान से। And I'll make sure that happens. असद, इस तरह गुस्से में बेकाबू होकर कुछ नहीं होता बेटा, ऐसे पर्पस सॉल्व नहीं होता। ठंडे दिमाग से सोचो, मसले यूं हल नहीं होते। राशिद के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ हो। तुम्हें खुद को संभाल के रखना होगा। You have to be careful. अगर अपनी खातिर नहीं तो कम से कम अपनी अम्मी के खातिर। पुप्पी सही कह रही है मिस्टर खान, हमें कुछ और सोचना होगा। अगर और कोई रास्ता होता मिस फारूकी, तो अब तक सामने आ जाता। हमारे पास ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत। सिर्फ एक आखिरी उम्मीद है कि वो खुद अपने जुबान से अपना गुनाह कबूल करे। और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। सच तो बुलवाना ही होगा अम्मी, सिर्फ तरीका सोचना है। सोच लिया। यस, मैंने आइडिया सोच लिया है। फारूकी नीचे उतरिए प्लीज, ये मैटर बड़ा ही सीरियस है, यू नीड टू काम डाउन। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ? मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मैंने सोच लिया हमें क्या करना है। और ये आइडिया है कहाँ से? ये स्टेप्स? जी नहीं, आइडिया यहाँ था, मेरे दिमाग में, टैब में। तो आपको क्यों बता रही हूँ मैं? आप जैसे टेक्नोलॉजिकली चैलेंज लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा। ओके बस फारूकी, ऐसे सिचुएशंस में टिपिकल सो आइडियाज काम नहीं करते। रियली? और ये टिपिकल जोया आइडियाज क्या होते हैं? टिपिकल जोया आइडियाज वही होते जो कभी काम नहीं करते। यही आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर खान। Exactly this. आपको पता है इतने हैंडसम होने के बावजूद आज तक आपका निकाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप लड़कियों को देखे बिना उन्हें रिजेक्ट कर देते। अब अल्लाह की मेहर से आपको जोया फारूकी जैसी परफेक्ट लड़की मिल गई है, तो अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप उसके इंटेलिजेंट आइडियाज को सुने बिना रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि आप हैं ही ऐसे, आप बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं मिस्टर खान। आप समझ नहीं रहे हैं। जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, दैट डजंट मीन कि मैं कुछ सोच नहीं सकती हूं। ओके? ऐसा मैंने कब कहा? लेकिन आपके कहने का मतलब वही था। अब आप झूठ मत बोलिएगा, समझे? आपको क्या लगता है, आपने मुझे आग से बचा लिया तो आप बहुत बड़ी टॉप हो गए? 30 बार खास समझने लगे आप अपने आप को। लेकिन मिस्टर खान, आपने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप यही सब कुछ कर सकते हैं। आप बेसिकली अकड़ू अहमद खान है, डिशम डिशम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब अपने ब्रेन को यूज करने की बात आती है ना, जब इंटेलिजेंस दिखाने की बात आती है ना, तो वो काम जोया फारूकी को ही करना पड़ता है, समझे आप? एक मिनट। क्या एक मिनट मिस्टर खान? एक मिनट, टाइम्स प्लीज, टाइम्स प्लीज। अब तुम बताओगी कि तुम्हारा टिपिकल जोया आइडिया है क्या? जोया, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा आइडिया काम करेगा क्या? नहीं मतलब, रुपी आप मिस्टर खान की बातों में आ गई। आप जानते हैं ना कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ और मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकती हूँ। पुप्पी देखिए, मेरे जो आइडियाज हैं वो आइडियाज हैं जो हमेशा काम करते हैं। और पुप्पी, उन्हीं आइडियाज की वजह से मिस्टर खान ने पहली बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, आपको पता है? अच्छा, और जब मिस्टर खान उन आइडियाज के आगे हार गए तो मुमानी क्या चीज है? सीना, अब तो तुम भी हम दादियों की फौज में शामिल हो गई हो। हाँ ये बात तो है, पर ये बात और है कि जवानी अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही है। हाँ वैसे लोग कहते हैं मैं अपनी बहुओं की ना बड़ी बहन दिखती हूँ। हाँ ये नहीं सुधरेगी। अम्मी एक मिनट। हाँ। अम्मी क्या निखत को वो ड्रेस पसंद आई? हाँ
अच्छी लगी। क्या हुआ अमित, निखत को अच्छी नहीं लगी ना ड्रेस? ओफ फरहान, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अरे निखत तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि तुम्हारा दिल और यकीन कभी नहीं तोड़ेगी। निखत, ये क्या बेहूदगी है, ये क्या कपड़े पहने तुमने? फरहान, मैंने तो वही ड्रेस। निखत, अंदर चलो। लेकिन फरहान, फरहान मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई, आप लोग महफिल का मजा लीजिए ना। हाँ, मैं आप लोगों के लिए ना चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ बेटा इमरान। जी अम्मी। जी अम्मी, आप लीजिए ना कुछ। जी क्या? जी आपके लिए दूध, आप दवाई लेंगी ना? कमरे में जाकर रखो ना। जी जी मिस्टर खान। हाँ हाँ, मेरे हाथ सबूत लग चुका है। जी मिस्टर खान, मैं कल सुबह ही वो सबूत इंस्पेक्टर साहब को दे दूंगी। पर मिस्टर खान, मैं अभी उस सबूत का क्या करूं? क्या स्टोर रूम में रख दूं? ठीक है मिस्टर खान, मैं उस सबूत को स्टोर रूम में रख देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। ओके ये अब कौन सा सबूत लग गया इसके हाथ? मालूम तो करना ही होगा।
अगर कुछ किया नहीं होता ना तो इस तरह चोरी चोरी आधी रात को स्टोर रूम में ना जा रही होती। मेरा नाम भी जोया फारूकी है, अब देखना कैसे पूरा का पूरा कन्फेशन स्टैब में रिकॉर्ड करती हूँ मैं।